नरेंद्र मोदी को देश की सत्ता को हाथ में लिए पूरे 9 साल हो गए हैं। पूरे 9 साल से पीएम नरेंद्र मोदी भारत का नेतृत्व कर रहे हैं। इन 9 साल में देश की दिशा और दशा में इतना कुछ बदल चुके हैं कि आज हर कोई भारत को सम्मान की नजर से देखता है। आज हर कोई भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहता है। अलग अलग देशों की सत्ता पर विराजमान लोग पीएम मोदी की लीडरशिप के कायल रहते हैं। और तो और, अब तो अपने देश का विपक्ष भले पीएम मोदी की कार्यशैली पर सवाल उठाता हो, उनको बुरा भला कहता हो, लेकिन अन्य देशों का तो विपक्ष भी पीएम मोदी का फैन हुआ जा रहा है। पीएम मोदी की तारीफ में कसीदे पड़ रहा है। जी, हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियाई विपक्ष की, ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष पीटर डटन की, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। साथ ही ऑस्ट्रेलियाई लोगों में कितना कैलिबर है, इसको लेकर भी तंज कसा है। सत्ताधारी नेताओं को पीटर डटन ने निशाना बनाते हुए पीएम मोदी को सराहा है। कहा है कि ऑस्ट्रेलिया के राजनेता पीएम मोदी से जलते हैं। पीटर डटन ने कहा, कोई भी दुनिया के दूसरे कोने में 20,000 लोगों को इकट्ठा करने और उनसे मोदी मोदी जैसे नारे लगवाने में सक्षम नहीं है। ऑस्ट्रेलियाई संसद को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष डटन ने बुधवार की घटना को असाधारण करार दिया। इस कार्यक्रम में जुटे 20,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ ने डटन को हैरत में डाल दिया। तभी तो कह रहे हैं, यहाँ का हर नेता इस तथ्य से जल रहा था कि पीएम मोदी दुनिया के दूसरे साइड में 20,000 लोगों को इकट्ठा करने और उससे अपने उपनाम के नारे लगवाने में सक्षम थे। खासकर ये लेबर पार्टी के नेताओं में था। नेता प्रतिपक्ष डटन की माने तो उनके लिए घटना असाधारण थी। उन्होंने कहा, मैं वास्तव में पीएम मोदी की मेजबानी में भारतीय समुदाय के काम की सराहना करता हूं। वहीं ऑस्ट्रेलिया और भारत के संबंध के बारे में बात करते हुए डटन ने ये भी कहा, भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध काफी असाधारण और मजबूत थे। फिर डटन ने पूर्व प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और डैन टीन समेत फ्रंट बेंच पर कई लोगों के काम को स्वीकारा और कहा कि इन नेताओं ने भारत के साथ व्यापार पर बहुत अच्छा काम किया है। पीटर डटन ने बताया कि वो सिडनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे, जहां उनकी पीएम मोदी के साथ बहुत ही सौहार्दपूर्ण और आकर्षक चर्चा हुई और जिन व्यापक विषयों पर दोनों के बीच में चर्चा हुई, उन्हें डटन ने संबंधों में द्विदलीय समर्थन का संकेत देने वाला बताया। दरअसल ऑस्ट्रेलिया की अपनी यात्रा के दूसरे दिन पीएम मोदी ने एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित किया था। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में भारतीय प्रवासियों को दोनों देशों के बीच आपसी सम्मान और विश्वास के पीछे एक ताकत के रूप में श्रेय दिया था। पीएम मोदी ने दोनों देशों के बीच में पारस्परिक सम्मान पर जोर दिया था, जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच घनिष्ठ ऐतिहासिक संबंधों की नींव है। पीएम मोदी ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को 3C से संबोधित किया था। कैसे, जरा सुनिए। मैं जब 2014 में आया था तो आपसे एक वादा किया था। वादा ये था कि आपको फिर भारत के किसी प्रधानमंत्री का 28 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यहां सिडनी में इस एना में मैं फिर हाजिर हूं। साथियों, एक समय था जब कहा जाता था कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को 3C डिफाइन करते हैं। ऐसा पहले कहा जाता था कि कौन से 3C हैं, कॉमनवेल्थ, क्रिकेट और करी। इसके बाद कहा गया कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध 3D पर आधारित है, डेमोक्रेसी, डायस्पोरा और दोस्ती। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध 3E पर आधारित है, एनर्जी, इकोनॉमी और एजुकेशन।
यानी कभी सी, कभी डी, कभी ई, अलग अलग कालखंड में ये बात संभवतः सही भी रही है, लेकिन भारत और ऑस्ट्रेलिया के ऐतिहासिक संबंधों का विस्तार इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। और जानते हैं, इन सारे संबंधों का सबसे बड़ा आधार क्या है? जानते हैं? जी नहीं, सबसे बड़ा आधार है म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट। तो कुछ ऐसा समा बांधा था पीएम मोदी ने अपने लोगों के बीच में, ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीयों के बीच में, जिसके ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष डटन कायल हो गए और एक के बाद एक वो पीएम मोदी की तारीफ में शब्दों को जोड़ते चले गए, जिसके बाद अंत में पीटर डटन भी ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री के ऑस्ट्रेलिया का दौरा करने के लिए पीएम मोदी और उनके प्रतिनिधिमंडल का धन्यवाद करने वाले लोगों में शामिल हुए। वैसे जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में नेता प्रतिपक्ष ने भी पीएम मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़े हैं, जिस तरह से पीएम मोदी की तारीफ में शब्दों का चयन किया है, जिस तरह से पीएम मोदी को दुनिया का नेता बता दिया है, इस बारे में आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। It is a huge pleasure to welcome Prime Minister Modi to Australia. In just my first year as Prime Minister, which I'm celebrating today, I have met the Prime Minister, my friend, 6 times. But absolutely nothing beats standing with him on a stage like this, looking out at this magnificent sea of faces. What an honour. And what a joy it is to get to welcome Prime Minister Modi here with all of you. I get to speak to some pretty big crowds as Prime Minister, but I have to say that the warmth and the energy here tonight is absolutely second to none. I said to my friend the Prime Minister before, the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss.